तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सीए इंटर स्टार्स, अब आ गया है मौका आपके पास सीए फाइनल तक छलांग लगाने का। यस, आपकी इस तैयारी को जीत की तैयारी बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आऊं एसेस का मैराथन रिवीजन। यस, ये वही रिवीजन्स हैं जो हमने क्लास के साथ साथ रिकॉर्ड करी थी। इन रिवीजन्स को आई एम मेकिंग अवेलेबल फॉर यू ऑल, बिकॉज मैं चाहता हूं आपकी सीए फाइनल की तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए। तो प्लीज इन पूरी रिवीजन्स का भरपूर फायदा उठाइएगा। मेक श्योर आप इन क्लासेस पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे वीडियो को लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए इंटर स्टार्स तक भी पहुंच पाए। देखो, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, इन कर्मा, इन गुड कर्मा, अगर आप इसको लाइक करते हो, ये बाकियों तक पहुंचते, तो बाकियों की भी दुआएं आप तक पहुंचेगी और आपका रिजल्ट एकदम शानदार आएगा। जो भी आपके फीडबैक्स और रिव्यूज हो, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, बिकॉज योर फीडबैक मोटिवेट्स मी अलॉट इन ब्रिंगिंग एक्सक्लूसिव अमेजिंग कॉन्टेंट फॉर यू ऑल। सो इसी तरह लगे रहो, खुशी से पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, एंड एंजॉय दीज रिविजन सेशन। फिर एक बार सेल्फ रिवाइज करें तो हमको चकाचक मजा आ जाए। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिवीजन ऑफ एसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बड़ा ही प्यारा एसे है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये एसे 10 मिनट में खत्म हो गया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट उतना ही था। उसके बाद जो भी हमने डिस्कशन करी, दैट वॉज अवर एफर्ट टू स्कोर 70+ इन ऑडिट। वो सब हमारे 70+ के एफर्ट्स थे। सबसे पहले सर 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। 30 क्यों है? क्योंकि 30 तारीख को ही मम्मी पापा बैठ के पूरे मंथ की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब है आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आप रिकॉर्ड बना रहे हो। किसका? तीन चीजों का। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है सर, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? सर इसके अंदर इंक्लूड होता है AACCC। सर AACCC का क्या मतलब था? ऑडिट प्रोग्राम और एनालिसिस। प्रोग्राम जैसा एक और वर्ड है चेकलिस्ट, प्लस आपको जो भी कंफर्मेशन आई है एंड जो भी आपने समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स रखे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन ईमेल, इन सब को आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट मान सकते हो। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है उसका बेसिस फॉर्म करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की नेसेसरी है। इट इज योर रिकॉर्ड फॉर बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा, ये आपके पास एक एविडेंस है कि आपने अपना जो ऑडिट किया वो एज पर स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के, जिसको अपन प्यार से PRL रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। वही ऑब्जेक्टिव था, वही नेचर है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। फिर सबने मेरे से पूछा सर पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? तो मैंने कहा पर्पस इज वेरी सिंपल, मैं अपने फ्यूचर की सोचता हूं। आज अगर मेरे को लगता है कोई चीज ऐसी है जो कल भी काम आएगी, तो मैं उसको रिटेन करके रखूंगा। रिटेनिंग द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच इज हैविंग अ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, कल भी मेरे काम आ सकती है। मैंने कहा वो कल आज आ गया, यानी आज मेरे को अपना ऑडिट प्लान और परफॉर्म करना है, तो मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ईटी मतलब इकोनॉमिक टाइम्स नहीं है, ईटी मतलब मेरी इंगेजमेंट टीम को। और सारा काम मैं नहीं करूंगा, मुझे इस काम को जूनियर्स को भी देना है, तो मैं उनको डायरेक्ट सुपरवाइज कर सकता हूं। थ्रू द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैं उनको बता सकता हूं कि तुमको ऐसा काम करके चलना है। सो इट हेल्प्स मी इन डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड रिव्यूइंग देयर वर्क। साथ ही साथ वो जब बंदा उस पर साइन करेगा कि हाँ वो काम वैसे करेगा, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया, अकाउंटेबल बना दिया। रिव्यू वाले दो पॉइंट्स थे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पर SQC1 एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होती रहेंगी, तो डॉक्यूमेंटेशन शेयर करते रहना। अब सर एक बात बताओ, कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है? फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किस पे डिपेंड करेगा? सारे बच्चे बताओ सर, एंटिटी पे, साइको एंटिटी पे, यानी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। मैंने कहा उसके बाद क्या देखेंगे? रोमम। सर रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितनी ज्यादा उतनी डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सिंपल सी बात थी। मिसस्टेटमेंट जैसा एक और वर्ड बताया था, एक्सेप्शन, नेचर ऑफ द एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब बाकी के पॉइंट भूल गए। मैंने कहा घबराते क्यों हो? तुमको कंटेंट की बात करनी है ना। कंटेंट तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेंड, कंक्लूजन रीच्ड, इन्हीं तीन बातों की बात कर देना और बोल देना प्रोसीजर्स विल बी एज पर द मेथडोलॉजी। जैसी हमारी फर्म की मेथडोलॉजी होगी, वैसे प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करके चलेंगे। ठीक है, फिर हमने बात करी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, डाकू का डर। सिग्निफिकेंट मैटर क्या है? डाकू का डर, यानी अगर मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे मैं मॉडिफाइड ओपिनियन डालता हूं या फिर मैं EOM पैरा डालता हूं, दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। डर क्या था? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी।
ऑडिट प्रोसीजर्स विच इंडिकेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, रिस्क असेसमेंट कहीं ना कहीं चेंज हो गई तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क भी चेंज हो गया, एंड लास्ट पॉइंट वॉज सिग्निफिकेंट रिस्क, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें सिग्निफिकेंट है तो ये सिग्निफिकेंट मैटर बन जाती है। फिर हमने एक छोटा सा गंभीर सा प्यारा सा टॉपिक किया सर, उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। उसमें आपने बस बेसिस फॉर कंक्लूजन बताना है सर। ये बेसिस फॉर कंक्लूजन कब कब बताना है, ये हमने नोट्स में किया, जब जब आपकी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करती कि आपको कुछ सर्टेन फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, आपको कुछ सर्टेन फैक्टर्स कंसीडर करने हैं एंड दैट कंसीडरेशन इज सिग्निफिकेंट, तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, व्हाट वाज योर बेसिस ऑफ कंक्लूजन व्हेन यू वर कंसीडरिंग द रीजनेबलनेस ऑफ अ मैनेजमेंट जजमेंट। जो मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं वो रीजनेबल है या नहीं, वो आपने किस बेसिस पे कंक्लूड किया, वो आएगा। जो हमने एग्जांपल दिया था लीगल काउंसिल की कंफर्मेशन, लीगल काउंसिल की कंफर्मेशन के बेसिस पे मुझे पता चला दैट अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट प्रोविजन वाज फॉर पेनल्टी वाज राइट और नॉट, गॉट इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जब जब आपको डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी पे शक था तो आपने पक्का कुछ इन्वेस्टिगेशंस करी होंगी, कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स करे होंगे, तो उसका भी बेसिस बता देना, हाउ डिड यू कंक्लूड दैट द डॉक्यूमेंट इज एक्चुअली ऑथेंटिक। ये पॉइंट बस आपने लिख के चलना है, ठीक है सर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कंप्लीशन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बोल दो या समरी, एक ही बात है। ये बात हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी डिस्कस की थी कि ऑडिट स्ट्रेटेजी को समराइज करने के लिए हमने एक मेमोरेंडम बनाया दैट सेट्स द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। सर कहां कहां से किस किस को रिलेट कर दे, तो रिवाइज कर लेना प्लानिंग को, ठीक है। अब सर मेमोरेंडम में क्या आएगा, जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उनको आपने कैसे एड्रेस किया, ये आप लिख के चलेंगे। दूसरा, ये ना रिव्यूअर के हेल्प आता है, अगर आपने समरी बना रखी होगी डॉक्यूमेंटेशन की तो रिव्यूअर के लिए काम आसान हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट वाज़ द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, हाउ द ऑडिट टीम कंसीडर्ड द सिग्निफिकेंट मैटर्स। एंड द फोर्थ पॉइंट वाज़ अ स्पेशल पॉइंट, सर इसने क्या कहा था कि चेक कर लेना वेदर देयर वॉज एनी इंडिविजुअल ऐसे ऑब्जेक्टिव दैट वॉज नॉट अचीव्ड। क्या आपने किसी इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया जिस वजह से यू कुड नॉट अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो ये लास्ट में स्पेशल पॉइंट हम डिस्कस करके चले थे। फिर सर क्या कहता है, क्या ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी हम कुछ ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। मैंने कहा नहीं करते अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है तो उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट करो, फिर डॉक्यूमेंट करो प्रोसीजर परफॉर्म एविडेंस ऑब्टेन्ड कंक्लूजन रीच, और फिर उस आदमी का नाम जिसने ये कारनामा किया, नेम ऑफ द पर्सन भी आपने डॉक्यूमेंट करना है, व्हेन एंड बाय हुम दीज चेंजेस वर मेड एंड रिव्यूड, किसने इन चेंजेस को किया, कब किया और किसने इनको रिव्यू किया, ये भी आपको बता के चलना पड़ेगा। फिर हमने ऑडिट फाइल की बात करी, कुछ नहीं एक फोल्डर है जिस फोल्डर में आपने अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को डाल रखा है, और कुछ नहीं, इट कैन बी फिजिकल और इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक। सर ये फाइल कब तक बनानी है, 60 डेज के अंदर अंदर, बट रिमेंबर जो आपका फाइलिंग प्रोसेस है इसमें आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कर सकते हैं। सर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब आप कुछ चीजों को डिलीट कर सकते हैं, प्लस आप कुछ चीजों की सॉर्टिंग कर सकते हो, कंपाइलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंड साथ ही साथ आप साइन कर सकते हो। एंड आखिरी डी क्या था, आखिरी डी बेसिकली कहता है डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिट एविडेंस आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिला है उसको आप डॉक्यूमेंट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मैंने कहा मेरी है, माय डॉक्यूमेंटेशन माय रूल्स। मैं अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूं, ओनली आफ्टर माय कंसेंट, अगर मुझे लगता है शेयर करनी है। बट रिमेंबर इससे मेरी काम पे आंच नहीं आनी चाहिए, इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म और अफेक्ट माय इंडिपेंडेंस। जल्दी से बताओ क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है, प्लीज टेल मी यस। हां जी, सो दोस्तों अब हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस को इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड लाइक टारगेट रखते हैं इस पे 100 लाइक्स का, मुझे पूरा विश्वास है आप अचीव करवा देंगे। लेट्स स्टार्ट विद ऐसे 500। सर ऐसे 500 का नाम क्या था, ऐसे 500 का नाम है ऑडिट एविडेंस। आज हमने इस ऐसे को पढ़ा, एकदम मजा आ गया। अब सर ऑडिट एविडेंस होता क्या, सबसे पहले तो इंडिया वॉन्ट्स टू नो, नेशन वॉन्ट्स टू नो ऑडिट एविडेंस है क्या, कुछ नहीं है, बस इंफॉर्मेशन। दिस इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज यूज बाय द ऑडिटर। कौन यूज करता है, सर इट इज यूज बाय द ऑडिटर। इसने क्या करता है, टू ड्रॉ द कंक्लूजन, वो कंक्लूड करता है
कि क्या उसको रीजनेबल अश्योरेंस मिली या नहीं, क्या उसको रीजनेबल अश्योरेंस मिली कि नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जैसे ही कंक्लूजन ड्रॉ किया अब वो रिपोर्ट करके चलेगा अपना ओपिनियन। इसीलिए ऑडिट एविडेंस का रोल आ जाता है। अब सर हमारा एविडेंस कैसा हो? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हो। हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो? प्लस 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 प्लस। एक सेकंड, ये जो इंफॉर्मेशन है क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर ये अदर भी होगी? सर ये अदर भी होगी। अदर का क्या मतलब था? आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी यूज कर सकते हो, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ले सकते हो। और बताओ सर, आप यहां पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन वगैरह ले सकते हो, प्लस और भी कोई ऐसी चीज आपको जो लगती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अलावा वाली है उसको भी आप यहां पे यूज करके आगे बढ़ सकते हो। सो इट इज नॉट ओनली द अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्लस अदर इंफॉर्मेशन को भी आपको यहां पे रेफर करके चलना है। अब बताओ सर हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा हो? सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब मैं बात करता हूं सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की, तो इसमें दो चीजें आ जाती है, सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट। अगर ऑडिटर को सफिशियंट की बात है तो ये हमने ऐसे 200 में सीखी थी कि दो चीजों पर डिपेंड करती है सफिशियंसी, एक तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर ये दोनों फैक्टर्स के हिसाब से बताओ, बेसिक रूल यही है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, अगर मैं क्वालिटी की बात करूं क्वालिटी ज्यादा है तो क्वांटिटी कम लगेगी। ये तो बेसिक रूल हो गया। इसके अलावा हमको ऐसे 500 ने तीन फैक्टर्स बताए। सर तीन फैक्टर्स कौन से बताए? मिसेज। सर मिसेज का क्या मतलब था? एम फॉर मटीरियलिटी। अगर एरिया सिग्निफिकेंट है तो ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करो, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करो, प्लस आपने साइज ऑफ पॉपुलेशन भी देख के चलना है। सर साइज ऑफ पॉपुलेशन में हमने दो चीजें डिस्कस की थी, ये जो पॉपुलेशन है ये लार्ज और हेटेरोजेनस हो सकती है, प्लस स्मॉल एंड होमोजेनस हो सकती है। तो अगर ये लार्ज और हेटेरोजेनस है तो ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा, स्मॉल और होमोजेनस है तो कम एविडेंस से भी काम चल जाएगा। क्या ये बेसिक पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर एप्रोप्रिएटनेस कौन से दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आर, क्या हो रहा है ये, एंड आर। सर आर एंड आर का क्या मतलब था? आर का मतलब था रेलिवेंस, दूसरे आर का मतलब है रिलायबिलिटी। जब मैं बात करता हूं रेलिवेंस की, दिस इज नथिंग बट अ लॉजिकल रिलेशन बिटवीन, सर बताओ किसके बीच में? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड अजर्शन टू बी टेस्टेड। जो अजर्शन की आप टेस्टिंग करने जा रहे हो, जिस अजर्शन की आप टेस्टिंग करने जा रहे हो उसमें और आपके ऑडिट प्रोसीजर में एक लॉजिकल कनेक्ट होना चाहिए। बड़े सारे एग्जाम्पल हमने इसमें डिस्कस करे। फिर आता है सर रिलायबिलिटी। अगर मैं बात करता हूं रिलायबिलिटी की, ये भी 4-5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सर क्या फैक्टर्स हैं? जो एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस होगा आउटसाइड द एंटिटी इट इज मोर रिलायबल। सर क्या इंटरनल वाला रिलायबल नहीं है? है, इंटरनल वाला भी रिलायबल है अगर उसके इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं। और बताओ सर जो ऑडिट एविडेंस ऑडिटर डायरेक्टली ऑब्टेन करता है इट इज मोर रिलायबल, जो ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है इट इज मोर रिलायबल, और डॉक्यूमेंट्री में भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी मोर रिलायबल। क्या हमने सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में यही टाइम पास किया था? आंसर इज यस, यही सारा टाइम पास करके हम आगे बढ़े। इसके बाद हमने ब्रेक के बाद एक टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था मैनेजमेंट एक्सपर्ट। सर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की खास बात क्या है? इस पर्सन की जो एक्सपर्टीज है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में है। सारे बच्चे मुझे थम्स अप दो। ये एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट का काम है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसकी एक्सपर्टीज भी तो उसी में होगी ना, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में। सारे बच्चे मुझे थम्स अप दे जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, क्विकली गिव मी अ थम्स अप। रॉन्ग सर, रॉन्ग। सुबह सुबह आपने भांग पी थी क्या? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? The answer is, it is in a field
एक्सपर्टीज इज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा जो जितने नालायकों ने ऐसे ऐसे करा ना, कान पकड़ के उठक बैठक करो. जितने नालायकों ने ऐसे ऐसे करा ना, कान पकड़ के उठक बैठक करो. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में क्यों होगी फिर? मैनेजमेंट को इसकी जरूरत क्या है? मैनेजमेंट तो खुद एक्सपर्ट है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में. ठीक है, जो जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तुम ऐसे ऐसे करो और अपने कान खींचो. ठीक है, दिमाग नहीं चल रहे तुम्हारे. जितने बच्चों ने बोला नहीं सर और मुझे रोका, सारे बच्चे अपनी पीठ थपथपाओ. वेरी वेरी गुड. ठीक है, सो इट इज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. एंड इसमें आपने बस तीन चीजें करनी है. पहले तो देख लो भाई, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का बंदा है ये सही है कि नहीं. सर सही है कि नहीं का क्या मतलब था? यू नीड टू इवेलुएट द कॉम्पिटेंस, केपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी. फिर आप इसके काम की अंडरस्टैंडिंग लोगे. जब आपने इसके काम की अंडरस्टैंडिंग ली, देन यू नीड टू चेक वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर यू टू यूज एज एन ऑडिट एविडेंस. क्या इसका काम अप्रोप्रिएट है फॉर यू टू यूज एज ऑडिट एविडेंस? ये आपने चेक करके चलना है. बस यही छोटी सी बात मैनेजमेंट एक्सपर्ट के हमको ध्यान में. इसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस. हम अपना ऑडिट एविडेंस कैसे ले सकते हैं? सर ये भी बड़ा आसान तरीका है. इसमें आपने बस कुछ नहीं रखना, वॉवल्स याद में रखना दिमाग में. सर वॉवल्स कैसे याद रखेंगे? ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ए फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर. सर एनालिटिकल प्रोसीजर का काम क्या था? इसका कोई काम नहीं था, बस ये बताता है प्लॉजिबल रिलेशनशिप. सर प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. हम क्यों स्टडी करते हैं सर इसको? प्लॉजिबल रिलेशनशिप को स्टडी करने का मतलब क्या है? टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए यू नीड टू स्टडी द प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. सर ई का क्या मतलब था? ई फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ई फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन. सर आई का क्या मतलब है? इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में ना हम और डिटेल में चर्चा करेंगे ऐसे 505 में. इंस्पेक्शन का मतलब है दो चीजें, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो एसेट्स की. जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो एसेट्स की. ए ई आई ओ. ओ फॉर ऑब्जर्वेशन. ओ फॉर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट लुकिंग एट द प्रोसेसेस. जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही है, प्रोसेसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट, ये आप काम करते हो. इसके बाद हमारे पास बचता है सर ए ई आई ओ यू. यू फॉर रीकैलक्यूलेशन. सर यू फॉर रीकैलक्यूलेशन. ठीक है, इसके जैसा एक और वर्ड है रीपरफॉर्मेंस. बताओ रीपरफॉर्मेंस का एग्जांपल क्या दिया था? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. जब मैनेजमेंट ने बीआरएस बनाया उसके बाद आपने भी बनाया तो इसको हम रीपरफॉर्मेंस कहते हैं. यानी जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी कर दिया है उसको जब आप फिर से खुद करते हो तो उसको हम रीपरफॉर्मेंस का नाम देते हैं. रीकैलकुलेशन क्यों करते हैं? रीकैलकुलेशन हम इसलिए करते थे टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी. कीवर्ड क्या था सर यहां पे? मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करके आगे बढ़ना. आई बात समझ? सर एक बड़ा प्यारा वाला रह गया है जिसके बारे में हमने बड़ी सारी डिस्कशन की थी, उसको बोलते हैं इंक्वायरी. तो आई फॉर इंक्वायरी को मत भूल जाना. एंड सर इंक्वायरी के केस में क्या था? इसका हमने नोट ऑलरेडी आई थिंक बना रखा है तो उसी से डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इट इन्वॉल्व सीकिंग इंफॉर्मेशन. किससे? Knowledgeable persons within or outside the entity. Free की information है तो it is used extensively throughout the audit. और जब inquiry का response मिलता है उसको भी evaluate करेंगे तो तीन चीजें पता चलेंगी. नई information, that is the information not already possessed. Corroborative audit evidence, that is supporting the evidence we already have. And last point is evidence which significantly differ the information we already have, जिसको आप बोलते हो contradicting audit evidence. और जहां जहां contradicting audit evidence मिलता है वहां वहां हमारी मेहनत बढ़ती है. बोलो मेरे साथ, जहां जहां कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंस मिलता है वहां वहां हमारी मेहनत बढ़ती है. यानी वी नीड टू मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर. एंड लास्ट पॉइंट इज जो तुमने ओरल इंक्वायरीज की थी उनकी रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेना, क्योंकि
कल को अगर मैनेजमेंट मुकर गई तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। इफ द मैनेजमेंट टेक्स अ स्टेप बैक यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो मेक श्योर फॉर ऑल द ओरल इंक्वायरीज यू हैव अ रिटन रिप्रेजेंटेशन। यहां हमारा एसए 500 खत्म होता है। यहां हमारे हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सर। सो इस वीडियो में सर हम रिवाइज करने वाले हैं एसए 501। सर एसए 501 यानी जो शगुन का एसए है उसमें हम बात करेंगे ऑडिट एविडेंस की। ऑडिट एविडेंस जिसमें हम करेंगे स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अब सबका सवाल, सर ये सिलेक्टेड आइटम्स हैं तो हैं क्या? इन सिलेक्टेड आइटम्स की हम बात कर रहे हैं तो मैंने कहा तीन आइटम्स की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। इन तीनों आइटम्स की बात होगी और इनकी स्पेसिफिक अजर्शंस की। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करता हूं तो चेक करना क्या एक्चुअल में इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है और किस कंडीशन में एग्जिस्ट करती है। ये सारे प्रोसीजर आप तभी करेंगे व्हेन द इन्वेंट्री इज मटेरियल। अगर इन्वेंट्री मटेरियल नहीं है तो आपको कष्ट उठाने की जरूरत भी नहीं है। व्हेनेवर द इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द अटेंडेंस एट द इन्वेंट्री काउंट इज नॉट इम्प्रैक्टिकेबल। अगर आपको लगता है इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है तो जाओ और चेक करो। सर जाते ही गोली ने क्या चेक किया था? सर गोली वहां पे गया और उसने मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस देखे। जो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स है उसको इवेल्युएट किया कि वो प्रॉपर्ली इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं कि नहीं। फिर वो बंदा एसी कमरे में बैठ के क्या कर रहा था? ऑब्जर्व कर रहा था। वेरी वेरी गुड। अचानक जेठा अंकल की कॉल आई। सर जैसी जेठा अंकल की कॉल आई तो उसको बाहर जाना पड़ा, उसको भी थोड़ी इंस्पेक्शन करनी पड़ी, उसको भी बेचारे को थोड़ी टेस्ट चेकिंग करनी पड़ी गर्मी में। अब आखिरी में क्या करा उसने? इंश्योर किया जो फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल इन्वेंट्री रिजल्ट्स। यानी जो भी एक्चुअल में रिजल्ट्स आए उसको आपने फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में दिखा के चलना है। उसके बाद हमने क्या बोला था? सर हमको ना कई बार प्लान करके जाना पड़ता है गोवा। तो मैंने कहा कहां भी जाना हो तुमको एबीसीडी आनी चाहिए, तो तुमको सारे मैटर्स बताओगे। सबसे पहले तो सर एल से स्टार्ट करेंगे। एल फॉर लोकेशन, वेरी वेरी गुड। एम फॉर मटीरियलिटी। एन फॉर नेचर ऑफ द इन्वेंट्री। ओ का मतलब क्या था सर? ओ का मतलब था कंट्रोल। हमको यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स देखने हैं, हमको यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स देखने, यानी नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द इन्वेंट्री। वेरी वेरी गुड। पी से क्या था सर? पी से हमको देखने क्या हमारे इन्वेंट्री काउंट के प्रोसीजर्स थे, प्लस क्या एंटिटी परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट सिस्टम फॉलो करती है कि नहीं। अगर फॉलो करती है तो वो भी आप एक बार देख के चलोगे। सर क्यू से क्या था? मैंने कहा क्यू को छोड़ो, क्यू के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आर की बात करो। आर फॉर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एस फॉर स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन प्रोग्रेस। टी से क्या था सर? टी से द टाइमिंग ऑफ द इन्वेंट्री एंड ऑडिटर एक्सपर्ट की हमने बातें की थी। इसके बाद सर क्या पॉइंट था? इसके बाद हमारे क्या पॉइंट थे? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा या तो ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो, जहां भी डेट्स के बीच में गैप आएगा आपको ऑडिट प्रोसीजर करके ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा ऑन द इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस। इंटरवीनिंग मतलब बीच की ट्रांजैक्शंस, ठीक है सर। क्या इम्प्रैक्टिकेबल होगा तो भी कुछ करना है? मैंने कहा हाँ, पहले तो चेक करो एक्चुअल में इम्प्रैक्टिकेबल है कि नहीं। सर इम्प्रैक्टिकेबल कब होता है? लोकेशन एंड नेचर ऑफ इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री की लोकेशन है, जो इन्वेंट्री की नेचर है, उसकी वजह से वो इम्प्रैक्टिकेबल हो सकता है, विच मे पोज द थ्रेट टू द ऑडिटर। तो सर ऐसे केस में आपने एक बात याद रखनी है, जनरल इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। जनरल इनकन्वीनियंस के बाद आप डीटीसी वाली लाइन लिखेंगे, डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर वेयर नो अल्टरनेटिव इज अवेलेबल, और टू सेटल फॉर लेस देन पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्या इतनी सी बात समझ आती है? हाँ सर। फिर बोलो अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो हम हार नहीं मानेंगे। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो हम हार नहीं मानेंगे, हम सीए के बच्चे हैं, धूम मचा देंगे। तो सर करें तो करें क्या? आप ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करो। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर बड़ा सिंपल था, हमको करना है भरतनाट्यम, सब्सिक्वेंट सेल प्रायर परचेज। आप सब्सिक्वेंट सेल और प्रायर परचेज देखेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है बाबू इससे भी सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे। सर मॉडिफाई कैसे करते हैं? एज पर एसए 705। सर ये इन्वेंट्री अय्यर भाई के पास पड़ी है तो मैं तो उनसे मिलना नहीं चाहता, तो कंफर्मेशन ले लो। आप इन्वेंट्री की कंफर्मेशन ले सकते हो, बट अगर आपको लगता है कंफर्मेशन में झोल है, अय्यर भाई झूठ बोल रहे हैं जिसके पास इन्वेंट्री पड़ी है, तो फिर आप खुद जाके इंस्पेक्शन कर लो, अदर ऑडिट प्रोसीजर कर लो। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा कहां? क्वेश्चन बैंक में। अब आता है सर लिटिगेशन एंड क्लेम्स। लिटिगेशन एंड क्लेम्स के लिए तो हमने पूरा चार्ट बना लिया था। सबसे पहले इंक्वायरी करेंगे अंकल लोगों से। सर अंकल लोग कौन है? मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट के साइड में एक बच्चा सुबह सुबह के रो रहा है सर, उसका नाम क्या था? इनहाउस लीगल काउंसिल। इन दोनों लोगों से बातें कर लो, इन दोनों लोगों से बात कर लो। जब बतिया के थक जाओ और बोर हो जाओ तो आप रीडिंग कर लेना मॉम की, प्लस जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की, उसके साथ आप बातें कर सकते हो, मतलब वो चेक कर सकते हो। इसके बाद एक बेसिक चीज देखना, एक्सपेंस अकाउंट देख लेना, क्योंकि लीगल एक्सपेंस अकाउंट में भी कुछ खर्चे छुपे होंगे।
इस सबसे अगर आपको लगता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, यानी मैनेजमेंट हमसे कुछ छुपा रहा है, तो आप डायरेक्टली भी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कंफर्मेशन ले सकते हो। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जब एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से भी मिलना पड़ेगा। सर कहां मिलना पड़ेगा? डिस्को। डिस्को मीन्स डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द लीगल काउंसिल, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। सारे बच्चे थम्स अप भेजो, सारे बच्चे थम्स अप भेजो। डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड बिटवीन द मैनेजमेंट, तो हमको फिर मिलना पड़ेगा, चीटिंग कर लेंगे। जल्दी से बताओ क्या यही था, क्या यही था? सारे बच्चे थम्स अप भेजो, सर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट और लीगल काउंसिल की नहीं बन रही, तुम ऑडिटर की थोड़ी गलती है। तन्नू नलायक, श्रवानी नलायक, वेरी वेरी गुड। मैंने कहा था ना बिना नलायकों की कमी थोड़ी है यहां पे, नलायक खुद निकल निकल के आते हैं। रविंद्र, मयंक, वेरी वेरी गुड। मैं सोच रहा था इस बार नहीं निकलेंगे, मैं सोच रहा था इस बार नहीं निकलेंगे, तो सर निकले, होते ही है कुछ। कान पकड़ के सॉरी बोलो दो बार, कान पकड़ के सॉरी बोलो दो बार, हाँ वरना आईसीए बुलवा लेती है फिर एग्जाम में, ठीक है? अभी बोलो सॉरी सर, ये बात याद रखेंगे, हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है। सो डिसएग्रीमेंट बिटवीन हुम? सर डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। साथ ही साथ सर आपने किसकी बात करनी थी? मैंने कहा डिसएग्रीमेंट तो समझ आ गया, सिग्निफिकेंट रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर हमको यहां पे देखनी है। फिर हमने बात करी थी सर किसकी? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की। इसमें हमको मेनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना है। सर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन बनानी तो आती नहीं है किसी को, तो मैनेजमेंट से समझो कैसे बनाते हैं। जो भी मैनेजमेंट के मेथड्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लो और फिर देखो क्या उससे एफआरएफ जैसी बनेगी। अगर आपको लगता है बनेगी नहीं बनेगी, तो उन मेथड्स को टेस्ट भी कर सकते हो। प्लस आखिरी में आप पिछले साल से देख लो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लेना। इन मेथड्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए बड़ा सिंपल सा गेम था, इनके बीच में सेल ट्रांसफर चलते रहते हैं, वो एलिमिनेट करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था? हर सेगमेंट की परफॉर्मेंस देखो, जिसकी बेस्ट परफॉर्मेंस उसको एलोकेट करेंगे एसेट्स एंड कॉस्ट। एंड आखिरी में फोर्थ पॉइंट इज द सेम एज द लास्ट पॉइंट, यू कैन कंपेयर इट विद द प्रायर पीरियड। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो विद द प्रायर ईयर पीरियड। तो यहां आपकी एसए 501 की एकदम क्लासिक वाली रिवीजन कंप्लीट होती है। एक बार टॉपिक को पूरा फिर से खुद रिवाइज कर लेना एंड मेक श्योर यू ऑल्सो प्रैक्टिस द क्वेश्चन साइड बाय साइड। वेरी गुड, गॉट इट। Now let's begin with the revision of SA 505. फटाफट एक बार SA 505 की revision शुरू करते हैं। सर SA 505 क्या था? External confirmation. हम अंदर बैठे हैं entity के और entity के अंदर balance है 5. अब देखो externally, देखो ये क्या है? सर ये mirror है। इस mirror के through अब आपने externally देखना है कि वहां पे भी balance 5 है कि नहीं। तो 505 external confirmations, ठीक है? अब सर इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन का मतलब बड़ा सिंपल है, ऑडिट एविडेंस। ये भी एक ऑडिट एविडेंस है। कैसे? डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्ट रिटर्न रिस्पांस टू द ऑडिटर फ्रॉम द थर्ड पार्टी। इट कैन बी इन द पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर फॉर्म। फिर हमने तीन चार डेफिनेशन डिस्कस करी, बड़ी सिंपल सिंपल सी। पॉजिटिव कंफर्मेशन में सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी। मैंने कहा कब? जब वो एग्री करती है, या वो डिसएग्री करती है, या फिर हमने ब्लैंक रिक्वेस्ट भेजे तो उसको फिल करके भेजेगी। नेगेटिव में कब करती है? मैंने कहा बड़ी टॉक्सिक है, तभी करती है जब वो एग्री नहीं करती। नॉन रिस्पांस का क्या मतलब है? या तो उसने फुली रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर उसने पार्शियली रिस्पॉन्ड किया। यानी इफ देर इज नो रिस्पॉन्स एट ऑल और देर इज नॉट अ फुल रिस्पॉन्स, तो फिर आप इसको नॉन रिस्पॉन्स बोलते हो। एक्सेप्शन का मतलब है देर इज अ डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड द अमाउंट दैट इज कंफर्म्ड बाय द थर्ड पार्टी। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो हम इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। जो भी एक्सेप्शन हो आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा टू द पॉपुलेशन, क्या इंपैक्ट होता है उसका। फिर सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या बनेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, देखो क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर देखो किससे चाहिए। जिससे भी चाहिए उसको कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बना के बस सेंड कर दो और फॉलो अप करके चलना। यही चार पॉइंट्स आपने बस इसमें लिखने हैं। अब सर एक बात बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप एग्रीमेंट्स भी ले सकते हो, साइड एग्रीमेंट्स भी ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, बेसिक बेसिक बातें आप पूछ सकते हो। एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी हमको एंड में पता चलती है, नॉलेजेबल होनी चाहिए, उसके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट वॉज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यानी अगर रिलेटेड पार्टी हुई तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी लेस रिलायबल। देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मुझे तो लगता है तुम हमेशा 80 साल तक 90 साल तक जब भी जियोगे तो ये पॉइंट तो हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले सर क्या होगा? आर्चीज का कार्ड आएगा।
हम देखेंगे लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिक्वेस्ट, फिर उसमें लिखेंगे दिल की बातें यानी अजर्शंस बीइंग एड्रेस्ड। अब कहीं ना कहीं दिल में धक धक हो रही है भेजते हुए, यानी देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सामने वाली कहीं मना ना कर दे। तो तुमने क्या किया, अपना प्रायर एक्सपीरियंस कंसिडर किया और लव गुरु की ऑथराइजेशन ली, यानी मैनेजमेंट ऑथराइजेशन और इंकरेजमेंट टू द थर्ड पार्टी की प्लीज ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन दे दो। फिर आप फाइनली उसको भेजोगे। सर कैसे भेजेंगे, वी नीड टू सी द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड लास्ट में अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द अदर पार्टी, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू यू। अब सर इसके बाद हमने डिस्कस किया फॉलोअप, तो फॉलोअप तो चलता रहता है। अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो सुन के वापस आ जाएंगे क्या? नहीं सर, हम सुन के वापस नहीं आएंगे। मैनेजमेंट का जो रीजन है, जो भी मैनेजमेंट का रीजन है वो सुनेंगे, उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस लेंगे कि वो रीजन वैलिड और रीजनेबल था कि नहीं। अगर वैलिड और रीजनेबल नहीं है तो दया कुछ गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ है, यानी द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, और आपको अपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। फिर आप कहते हो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड दो स्पेशल पॉइंट टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे शाहरुख खान, और मॉडिफाई योर ओपिनियन एज पर एसए 705। सर इसमें आपने कहा था एक अटेम्प्ट किसमें आया था, मैंने तुमको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुम शायद इस टॉपिक को पढ़ते नहीं। दिस वॉज आस्क्ड इन मे 23, ठीक है? सो लिटिल लेस चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन नवंबर 23, बट स्टिल आई थिंक हमको कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए। फिर आता है सर नेगेटिव कंफर्मेशन। जो नेगेटिव कंफर्मेशन है वो सिंपल सी बात कहती थी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। कब रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? जब वो एग्री करती है, ठीक है, बट मेरे को लगता है ना वो इग्नोर भी तो कर सकती है। So this is not a reliable information. मैं इस पे confirmation पे rely नहीं कर सकता. It is a less persuasive evidence. But चार cases अगर पूरे हो गए, चार conditions अगर पूरी हो गई तो rely कर जाऊंगा। सर क्या? दो चीजें कम है, risk of material misstatement कम है, तो मैं ऐसा नहीं है मैं मान रहा हूं control risk कम है, मैं controls को check भी कर चुका हूं, एक्सेप्शन रेट कम है, और ढेर सारे बैलेंसेस हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस बैलेंसेस। एंड फोर्थ पॉइंट इज, मुझे पूरा विश्वास है वो इग्नोर नहीं करेगी, इट विल नॉट डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। क्या हम इसको एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज कर सकते हैं? हाँ, ऐसे 330 के हिसाब से, ऐसे 330 के हिसाब से यू कैन यूज एट अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्लानिंग पार्ट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर, तो आप इसको एज अ टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज करके चल सकते हो। सर कौन कौन से फैक्टर्स है जो बताते हैं कि इसको यूज करना चाहिए कि नहीं? तो मैंने कहा सबसे पहले देखो थर्ड पार्टी अच्छी है कि नहीं। अगर थर्ड पार्टी अच्छी है तो आप ये कर सकते हो, उसको नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके अंदर एबिलिटी और विलिंगनेस होनी चाहिए आपको बताने की। मैंने कहा नहीं बताएगी। सर क्यों नहीं बताएगी? सारे बच्चे चैट बॉक्स में क्यों नहीं बताएगी? जैसा तुम कहोगे वैसा मैं मान लूंगा, क्यों नहीं बताएगी? काहे नहीं बता रही बबुआ, बताना जरा, why it is not sharing the information? इतनी नटखट क्यों है थर्ड पार्टी? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, टू कॉस्टली टाइम कंज्यूमिंग। मैंने कहा कॉस्ट को कनेक्ट करो लीगल लाइबिलिटी से, टाइम कंज्यूमिंग को कनेक्ट करो करेंसी से। एंड आखिरी पॉइंट कहता है इट इज ऑपरेटिंग इन एनवायरमेंट जहां इस तरह की चीजें डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट वॉज, मैंने कहा जानती भी है, बता भी देगी, बट हम उस पर विश्वास कर पाएंगे कि नहीं? मैंने कहा इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी। आपको कहीं ना कहीं उसकी ऑब्जेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। अगर वो रिलेटेड पार्टी है इट विल बी कंसिडर्ड टू बी लेस रिलायबल। नाउ सर एक छोटी सी बात आप सबको बतानी थी। क्या बतानी है? बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलिए, अगर आप सोच सकते हो, अगर आप बिलीव कर सकते हो ना कि आपकी रैंक आ सकती है, ठीक है? कई लोग बोलेंगे तुम बेवकूफ हो, बट बोलो हाँ, इसी बेवकूफी में मजा है, यही बेवकूफी है जो मुझे पढ़वाती है, जो मुझसे काम करवाती है। सो मेक श्योर आप अपने अंदर एक बिलीफ रखें कि आप कर सकते हो, बिकॉज ये बिलीफ ना सब में नहीं रहता। सो मेक श्योर यू हैव दैट बिलीफ एंड यस, आपका आधा काम तो वही हो गया, बाकी आधा काम हार्डवर्क से हो जाएगा। And I'm sure वो आप कर लेंगे। तो आज मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? सर आज मास्टर जी ने बड़ा ही छोटा सा, बड़ा ही प्यारा सा रिलेटेड पार्टीज करके ऐसे पढ़ाया। मतलब ये ऐसे में नहीं भी पढ़ाता ना तो तुमको वैसे भी आता था, तो मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं आज। आज तुमको जो ऑलरेडी आता था तुमने रिवाइज किया मेरे साथ। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ऐसे ही हुआ सर। फाइव और फाइव आर रिलेटेड, सो ऐसे 550 इज अ रिलेटेड पार्टी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो कह रहा है मुंह बंद रखो,
कहते हैं मुंह बंद रखो, जैसा एफआरएफ कहे वैसा कर लो। बट अगर एफआरएफ कुछ नहीं कहता तो तीन तरह की रिलेटेड पार्टी है। पहली, जो आपको कंट्रोल करती है, जिसका आप में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। दूसरी, जिसको आप कंट्रोल करते हो, जिस पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंड तीसरी, जो कॉमन कंट्रोल में, यानी हमारे ओनर कॉमन है, हमारी की मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कॉमन है। तो अगर ऐसा है तो हम रिलेटेड पार्टीज हैं। बट सर एक बात बताओ, दिल्ली गवर्नमेंट दो पार्टीज को कंट्रोल करती है, केजरीवाल लिमिटेड और सिसोदिया लिमिटेड, क्या ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी है? मैंने कहा नहीं। जब तक इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट चीजें ना हो, ये एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन ना करें, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज शेयर ना करें, तब तक हम इनको रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। अब सर एक बात बताओ, ये नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा अगर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, यानी दीज आर गोइंग एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिर ज्यादा नहीं है। जैसी बाकी ट्रांजेक्शन होती है वैसी इसमें भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगी। बट अगर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, दीज आर नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। सर इसका एक एग्जाम्पल देके बताओ, दो तीन आपने एग्जाम्पल बताए थे, तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इज नॉट नॉर्मल मतलब जहां भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे वहां द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी हायर। इसका मतलब था इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो भी बेचारे आइडेंटिफाई और समराइज नहीं कर पा रहे कौन सी रिलेटेड पार्टी कौन सी ट्रांजेक्शन। नॉट नॉर्मल मीन्स ट्रांजेक्शंस आर कंडक्टेड अंडर नॉट नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। तो ये तीन एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखने थे। आरटीपी मई 20 का क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाना। फिर आता है सर आरटीपी नवंबर 20 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। देखो कोई थर्ड पर्सन होगा तो डर जाएगा, बट हम घबराएंगे नहीं। हम सबको पता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है, जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन के बाद जो बैलेंसेस बचते हैं, इन सब की प्रॉपर अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ। ये अचीव करने के लिए क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर, यानी यू नीड टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड। कम ऑन, Identify, assess and respond to the risk. Identify और assess कैसे करेंगे? Understanding लेके कि क्या related party relationships हैं, transactions हैं, क्या वो financial statement में properly disclosed हैं? सर किस चीज के लिए? For true and fair presentation or to make them not misleading in case of a compliance framework. दूसरी चीज, मैंने बोला risk, तुम बोलोगे fraud risk, come on. मैंने बोला रिस्क, तुम बोलोगे फ्रॉड रिस्क। यहां पे भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है, बिकॉज रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके फ्रॉड इजीली किया जा सकता है। सर ये बात हमने कहां सीखी थी? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस का जो फोर्थ पॉइंट था, अदर मैटर्स वाला, वो कहता है देयर आर सर्टेन मैटर्स जहां पे रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी हाई। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्यों हमारी रिस्क ज्यादा है? मैंने कहा मैनेजमेंट की वजह से। या तो मैनेजमेंट बड़ी भोली है, बड़ी ही प्यारी है, बड़ी ही मासूम है, उसको खुद को नहीं पता कि कोई रिलेटेड पार्टी है इस तरह से, तो हमको क्या बताएगी? दूसरा, क्यों नहीं पता चला रिलेटेड पार्टी के बारे में? चलाक मैनेजमेंट है, चापलूस मैनेजमेंट है सर। कोल्यूजन कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, जानबूझ के हमको नहीं बता दे। तो हमने कहा हमने भी हाथ पे मेहंदी नहीं लगा रखी, हम भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करके रिलेटेड पार्टी को पकड़ लेंगे। सर कहां अलर्ट रहना है? तो मैंने कहा इनमें अलर्ट रहना है, इन चीजों में आपने अलर्ट रहना है। सर इन चीजों मतलब, इनका मतलब है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, इन दोनों चीजों को पढ़ते हुए अलर्ट रहना। प्लस कंट्रोल खेलो। सर कंट्रोल मतलब शेयर्स वाला कंट्रोल, मैनेजमेंट वाला कंट्रोल। कम ऑन, शेयर्स वाला कंट्रोल, मैनेजमेंट वाला कंट्रोल। हम शेयर होल्डर रजिस्टर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, और जो भी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ एग्रीमेंट है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी की सारी चीजें देख के चलेंगे। तो इसमें कुछ मसाला नहीं है, छोटी छोटी बात है, फटाफट ट्रीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब सर एक बात बताओ, कल को खुदा ना खास्ता मुझे कोई रिलेटेड पार्टी मिल गई, तो सर मैं क्या करूंगा? पहले साइड वाले को बताऊंगा, फिर इस साइड वाले को बताऊंगा। यानी आई विल प्रॉम्प्टली नोटिफाई माय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। वो दोनों गुस्सा होकर मैनेजमेंट को बुलाएंगे। मैंने कहा हाँ, फिर मैनेजमेंट को बुलाएंगे। हम मैनेजमेंट को बोलेंगे जो रिलेटेड पार्टी मिली, इसकी बाकी ट्रांजेक्शन लाओ, इसके बाकी बैलेंसेस लाओ। फिर उसका गला पकड़ के क्या पूछेंगे? तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल क्यों नहीं पकड़ पाया? Why the management's internal control could not detect this related party? कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है सर। क्यों? अब हमारा काम बढ़ जाएगा, अब हमको एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ेंगे। बट मन में एक बात रह गई है, सर क्या मैनेजमेंट ने इंटेंशनली हमसे छुपाया? तो ये
राज राज ही रह गया, ये राज राज ही रह गया, इसके बारे में यहां पे कुछ नहीं बताया। एक्साइटेड में एडा, हाँ एक्साइटेड में एडा पूरी टीम को बताता है, वेरी वेरी गुड, लिख लो यहां पे, लिख लो यहां पे, एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड में एडा, सर एडा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते होंगे, एक्साइटेड में एडा पूरी टीम को बताता है। अब एक बात बताओ, कौन किससे ऐसे केस हो सकते हैं, कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जो मैनेजमेंट हमको डिस्क्लोज नहीं करेंगी, जो केसेस छुपे रह जाएंगे। मैंने कहा गोपू छुप के बैठा है, सर गोपू मतलब गारंटी, गारंटी दिखती थोड़ी है, मैंने तुमको गारंटी दी, तुमने मुझे गारंटी दी, किसी को दिखी ही नहीं गारंटी और गारंटर रिलेशनशिप्स। ओ का मतलब है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि आउटसाइड है दिखी नहीं रही। सर पीयू का क्या मतलब था, पार्टनरशिप्स अनइनकॉर्पोरेटेड, अगर ये पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड होती तो इसकी रजिस्टर्ड डीड होती, दिख जाती, बट क्योंकि ये अनइनकॉर्पोरेटेड है किसी को दिखती नहीं, तो गोपू छुप के बैठा, यानी गारंटी या गारंटर रिलेशनशिप्स, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड पार्टनरशिप्स विच आर अनइनकॉर्पोरेटेड। ये तीन एग्जांपल्स तीन नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब सर एक बात बताओ, एक लड़का था उसने दूसरे लड़के को वेयरहाउस दिया, सर कैसे, रेंट फ्री दिया, तो रेंट फ्री दिया, तो मैंने कहा सबसे पहले तो भाई साहब उस बंदे से पूछो, उस बंदे से पूछो, बंदे यारे बंदे यार क्या सोच के तुमने रेंट फ्री हाउस दिया, व्हाट वाज द बिजनेस रैशनल, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ गिविंग दिस रेंट, क्या तुम्हारा मन कोई फ्रॉड वर्ड करने का है, क्या तुम यहां पे कुछ हैंकी पैंकी करना चाहते हो, तो इस तरह के आप उससे सवाल पूछो, जो वो जवाब दे That should be consistent with the agreement. जो agreement में लिखा है वो चीजें consistent होनी चाहिए उसकी explanation के साथ। फिर सर हम auditor है, basic चीजें करेंगे, authorized होनी चाहिए इस तरह की transaction, accounting properly होनी चाहिए। And last में transactions outside normal course of business. Give the examples of transactions outside normal course of business. सर बड़ा simple था, पैसा कहां से आता है, मैंने कहा outside से आता है, कैसे कैसे आता है, sales के through आता है, नहीं सबसे पहले तो इक्विटी में आता है, कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शंस और स्ट्रक्चरिंग्स, ए ने बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, इस तरह से कुछ चल रहा था, तो हमको भी नहीं समझ आ रहा कौन किसका सब्सिडरी कौन किसका होल्डिंग, और कैसे आता है, सेल से आता है। इस सेल में गड़बड़ क्या है, अनयूजुअली हाई रिटर्न्स है, हाई डिस्काउंट है, प्लस ये सर्कुलर अरेंजमेंट में आज सेल करते हैं कल परचेज करते हैं, आज सेल करते हैं कल परचेज करते हैं, और सर क्या था, लीजिंग और मैनेजमेंट सर्विसेज विदाउट एनी फीस, एंड ये सब हम ऐसी एंटिटी के साथ कर रहे हैं वो भी बाहर है, वो एंटिटी भी बाहर है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफशोर एंटिटी। इसके साथ हमारा पूरा SA 550 एकदम शानदार तरीके से रिवाइज हो जाता है, इसके साथ हमारा SA 550 शानदार तरीके से रिवाइज हो जाता है। अब सारे बच्चे ध्यान से समझना, सर क्या समझना है हमको, क्या समझना है हमको, मैं आपको ना एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड हैव फेल्ट इट इन योर सीए जर्नी, कहीं ना कहीं आप सबने इसको अपनी सीए जर्नी में देखा होगा। सर क्या होता है, क्या होता है, बिफोर आई डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट प्लीज लुक एट इट हियर, ध्यान से समझना, जब भी आप अपनी कोई क्लास स्टार्ट करते हो या फिर ऐसा कर लो, आपने जब इंटरमीडिएट में कदम रखे, जब आपने अपनी इंटर की कहीं ना कहीं कह लो पहली क्लास स्टार्ट करी, ठीक है सर, जब हम स्टार्टिंग में होते हैं ना कहीं आपको नहीं लगता हमारा मोटिवेशन काफी हाई होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। मैं ऑडिट की क्लास की बात कर लेता हूं, किसी और क्लास पे जाने की जरूरत नहीं है। जब आप पहली पहली बार आप ऑडिट पढ़ने आए, एक अलग लेवल मोटिवेशन था, एक अलग लेवल एक्साइटमेंट के साथ आए, हाँ सर। फिर आपने एक चीज देखी होगी, वो जो एक्साइटमेंट था ना, मतलब पहला टेस्ट देना, तो एक टेस्ट का एक्साइटमेंट, एक नई नवेली फीलिंग आती है, फिर धीरे धीरे ना वो फीलिंग नीचे जाती जाती है, कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट डाउनवर्ड आनी जाती है, यानी आपकी जो मोटिवेशन है ना उस चीज को लेके वो थोड़ी कम होती जाती है। कितने बच्चों ने फील किया, कितने बच्चों ने फील किया, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट अ ड्रॉप इन दिस मोटिवेशन, बताना जरा। काफी बच्चे कह रहे हैं सर यस सर, ट्रू सर, हाँ सर हमने ये फील किया। ये ना सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये हर बच्चे के साथ है और हर केस में है, हर बच्चे के साथ है और हर केस में है। और इसको पता है अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डनिंग क्रंगर इफेक्ट। क्या बात करो, डनिंग क्रूगर इफेक्ट, पता नहीं डनिंग क्रंगर कहते हैं, क्रूगर कहते हैं, जो भी इफेक्ट कहते हैं, सर ये क्या कहता है, ये कहता है जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो ना, जब आपको कुछ नहीं पता, जब आपको उस चीज की जीरो नॉलेज है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो यहां पे होती है,
नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट होती है, आप धूम मचाने वाली फीलिंग में होते हो, आप कहते हो भाई मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं धूम मचा दूंगा, एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करूंगा। फिर सर क्या होता है, फिर ना धीरे धीरे टाइम बीतता है, जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है आप देखते हो यार मेरे को ना कुछ ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, आई कैनॉट सी सम रिजल्ट्स एंड आई कैनॉट वेट फॉर द एक्चुअल एग्जाम, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम तो काफी बाद में है, तो आपकी जो मोटिवेशन है ना वो कहीं ना कहीं नीचे गिरती है, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन नीचे गिरती है। और सर वो मोटिवेशन जब नीचे गिरती है ना तो दिस इज कॉल्ड द वैली ऑफ डिस्पेयर। वैली ऑफ डिस्पेयर का मतलब है ये जो ऐसी सिचुएशन है ना जब आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे, आप बस मेहनत करते जा रहे हो, आपसे बस एक ही एक्सपेक्टेशन है कि कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करो, तो आपको इस टाइम पे मोटिवेशन की कमी लगती है। होता है ऐसा? हाँ सर होता है। अब ध्यान से समझना, 80% ऑफ द पीपल एज पर दिस रूल बता रहा हूं, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये रूल ऐसा कहता है, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। 80% ऑफ द पीपल टेंड टू गिव अप एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट पे आप देखोगे 80% जो लोग होते हैं ना आपके आसपास, जनरली इस टाइम पे गिव अप मारते हैं। तो सर बाकी क्या करते हैं, बाकी क्या करते हैं मुझे भी नहीं समझ आता। बाकी जो लोग हैं ना वो थोड़े से मतलब अपनी सोच को बड़ा रखते हैं, दे हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ, दे हैव अ बिगर गोल इन लाइफ, एंड उनको पता है कि ऐसा होना है, उनको पता है कि ऐसा होना है कि उनके साथ नहीं ये सबके साथ हो रहा है। दे कीप ऑन वर्किंग हार्ड, दे कीप ऑन पुटिंग देयर एफर्ट्स, एंड अल्टीमेटली जब रिजल्ट का टाइम आता है, जब रिजल्ट का टाइम आता है तो जो बाकी 20% है ना ये धीरे 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 ऊपर चलते चले जाते हैं, ये धीरे 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 ऊपर चलते चले जाते हैं, एंड दे कैन सी द लाइट ऑफ सक्सेस। इनको रिजल्ट मिल जाता है, इनको रिजल्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं इनको लाइट ऑफ सक्सेस मिल जाती है। सर ये आज हमारे साथ आप क्यों डिस्कस कर रहे हो? मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी ऑडिट की भी अभी क्लास चल रही है, आपकी बाकी भी क्लासेस चल रही होंगी, कहीं ना कहीं जब आप ये क्लासेस स्टार्ट करते हो ना यू आर इन अ वेरी गुड मोटिवेशन, आप एक अच्छी मोटिवेशन में होते हो टू विजिट द क्लास, टू रिवाइज आफ्टर द क्लास, टू गिव द टेस्ट एज पर द क्लास। बट लेट मी टेल यू, ये जो मोटिवेशन है इसका गिरना लाजमी है, बट इस टाइम पे आपका अपना साथ बनाए रखना। मैं कह रहा हूं किसी का भी मत साथ बनाओ, किसी को भी सपोर्ट मत करो, बट मेक श्योर You are in this 20%, यानी जो ये वैली ऑफ डिस्पेयर है ना इस मौके पे आपने बस खेल जाना है। अगर इस मौके पे खेल गए तो जिंदगी आपकी है, अगर इस मौके पे खेल गए तो जिंदगी आपकी है। मैं बोल रहा हूं CA कोर्स टफ नहीं है, कोई भी कोर्स टफ नहीं होता, तो CA में दिक्कत क्या है? सर CA में दिक्कत है इंस्टेंट रिजल्ट नहीं है, CA में इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है मैंने आज पढ़ा कल मुझे रिजल्ट मिल गया तो मैं तो मोटिवेटेड रहूंगा, नहीं। यहां पे जो आपका होराइजन है, यहां पे जो आपका स्टडी पीरियड है ये काफी बड़ा है, रोज आपको उठना पड़ता है, रोज मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, आखिरी में जाके एग्जाम देने का मौका मिलता है और फिर रिजल्ट आते हैं। इस सब के बीच 80% बस गिवअप कर जाते हैं, 20% बने रहते हैं। तो ये जो पूरी डिस्कशन थी इसमें बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, एवरीवन इज फेसिंग इट। बट ये कुछ बदमाश लोग हैं, ये कुछ बदमाश लोग हैं, इनकी वजह से सर गेम होता है सिंपल, इनकी वजह से गेम बड़ा सिंपल होता है, ये पास कर जाते हैं। जैसे ही ये पास कर जाते हैं इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, दे टेक अवे ऑल द वैल्यू, दे टेक अवे ऑल द क्रेडिट। बट हो तो सबके साथ रहा था ना, इनके साथ भी तो हो रहा था, इनके शायद सपने थोड़े बड़े थे, इन्होंने सोचा था शायद हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी फैमिली को मिडिल क्लास से रिच क्लास की तरफ ले जाएंगे, इनके बस सपने थोड़े बड़े थे, इन्होंने थोड़ी बस उस टाइम पे बदमाशी दिखा दी, एंड दे डिड इट वेल और ये आगे निकल गए। तो यही पॉइंट था मेरा आज की ये डिस्कशन आपके साथ करने का कि प्लीज मेक श्योर आप इस 20% का पार्ट बने, आप अपना साथ बनाए रखें, ठीक है? तो ये चीज आपने बस इंश्योर करके चलनी है और कुछ नहीं करना, चिल करा करो, रिलैक्स करा करो, और आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, नथिंग एल्स टू बी डन, जस्ट चिल, रिलैक्स, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, पानी वानी पीते रहा करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास में कम से कम मेरी 3 बोतलें खत्म हो जाती है, तुम भी 2-3 बोतलें कम से कम खत्म करा करो तो तुम्हारी। लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ दिस एसे, फ्रॉम दिस समरी चार्ट, देखो क्या कहता है। सबसे पहले तो सर गोइंग कंसर्न बेसिस का क्या मतलब है,
गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब है एंटिटी विल बी एबल टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस फॉर अ फोर्सिबल फ्यूचर. इट विल बी एप्रोप्रिएट व्हेन व्हेन द एंटिटी विल बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. अब ये सारी शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आएंगी. ठीक है सर. गोइंग कंसर्न असेसमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके? मैंने कहा मैनेजमेंट की है. जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या क्या फैक्टर्स देखने. मैंने कहा सबसे पहले तो देखो एंटिटी, क्या एंटिटी साइको है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. क्योंकि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है तो हमको दो डिग्री लगेंगी. सर दो डिग्री कौन कौन सी लगती है जल्दी से बताना. यहां पे सबसे पहले तो आपने देखनी है डिग्री ऑफ, यू कैन से अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स. कितना हमारी एंटिटी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती है, तो मैंने आपको बताया था जो एंटिटी साइको होती है उसको एक्सटर्नल फैक्टर से काफी फर्क पड़ता है. दूसरा आप देखेंगे डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. सर अनसर्टेनिटी किसको लेके? अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन. जो फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस है उनको लेके इनको क्या डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है. और मैंने कहा इवेंट्स एंड कंडीशंस हो गए, एक्चुअल में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गए तो उन सब्सिक्वेंट इवेंट्स का भी आपने इंपैक्ट देख के चलना है गोइंग कंसर्न पे. ठीक है सर. एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैंने कहा दो तरफा रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर क्या? सबसे पहले देखो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यानी आज की डेट में टुडे इज द गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट और नॉट. फिर आगे जाके देखो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं एग्जिस्ट करती. मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. बट यहां पे ना हमने थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस की थी सर, प्यारी प्यारी सी. क्या क्या थी? सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था एसए 200. एसए 200 में हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात की थी कि इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से यू मे नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट द इवेंट्स एंड कंडीशन दैट मे अफेक्ट द एंटिटीज गोइंग कंसर्न. मैंने कहा ठीक है सर, ऐसे केस में हम क्या करें? फिर आप इवेंट्स एंड कंडीशंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो करें क्या? एक लाइन लिख दो, एक लाइन लिख दो. अगर हम मटेरियल अनसर्टेनिटी की रेफरेंस नहीं दे रहे, अगर हम मटेरियल अनसर्टेनिटी की रेफरेंस नहीं दे रहे तो इसको गारंटी ना माना जाए. इफ देयर इज नो रेफरेंस टू द मटेरियल अनसर्टेनिटी, प्लीज डोंट ट्रीट इट एज अ गारंटी. आपने इस पॉइंट को यहां पे डिस्कस करके चलना था. ठीक है सर. इफ मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो आप इसको कहीं ना कहीं गारंटी नहीं मान सकते. एंड इसके बाद लास्ट में मैंने कहा था अलर्ट रहना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म प्रैक्टिस करना. फिर मैंने बात की थी एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेसेस की. सर एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मतलब हमको भी एज अ ऑडिटर एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए देखना है कि कोई इवेंट्स और कंडीशंस तो नहीं है, कोई इवेंट्स और कंडीशंस तो नहीं है जो गोइंग कंसर्न अफेक्ट करे. तो मैंने कहा तुम क्यों मेहनत करते हो, एंटिटी से पूछ लो क्या उसने गोइंग कंसर्न असेसमेंट परफॉर्म की है. अगर परफॉर्म की है तो क्या उसको कोई इवेंट्स और कंडीशंस मिले? अगर मिले तो मैनेजमेंट का प्लान क्या है? अगर उसने परफॉर्म नहीं करी तो ये सोचो सर क्या सोचे कि उसने अगर ये गोइंग कंसर्न असेसमेंट परफॉर्म नहीं करी है तो उसने किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, किस बेसिस पे उसने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया. साथ ही साथ फिर भी पूछ लो क्या तुमको कोई इवेंट और कंडीशन मिले. अगर वो कहता है हाँ तो फिर अकॉर्डिंगली आप देख के चलेंगे. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू स्टे अलर्ट एज अ ऑडिटर. आपका अलर्ट रहना यहाँ पे जरूरी है, बिना अलर्ट रहिए काम नहीं बनेगा. ठीक है सर. जब आप इवेल्युएट कर रहे हो मैनेजमेंट के असेसमेंट तो आप वही पीरियड कवर करोगे जो उन्होंने कवर किया है, बट यू शुड कवर एटलीस्ट 12 मंथ्स, कम से कम 12 महीने कवर होने चाहिए. एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर अगर कोई इवेंट और कंडीशन मिलता है तो आई होप ये पांचों पॉइंट्स तो आपको हमेशा याद रहेंगे. सबसे पहला पॉइंट क्या कहता था कि मैनेजमेंट नलायक है. मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट की नहीं तो उनको रिक्वेस्ट करो, प्लीज रिक्वेस्ट देम टू मेक द गोइंग कंसर्न असेसमेंट. अब जब वो आएंगे तो वो प्लान लेके आएंगे. इस प्लान की दो क्वालिटी होनी चाहिए, इट शुड लीड टू इंप्रूवमेंट, इट शुड हैव सम फिजिबिलिटी. सूखा सूखा प्लान अच्छा नहीं लगता, तो कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे. एंड कैश फ्लो फोरकास्ट में यू नीड टू सी द सोर्स डेटा, यू नीड टू सी द अजम्पशंस. ठीक है सर. प्लस एडिशनल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ गोइंग कंसर्न असेसमेंट, यू नीड टू कंसीडर दैट. एंड आखिरी में ये जो प्लान था, इस प्लान की इंप्रूवमेंट और फिजिबिलिटी के लिए यू नीड टू टेक रिटन रिप्रेजेंटेशन. देन टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन स्टेज, इट इज द सेम एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज. सबसे पहले देखो आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं. मैंने कहा ठीक है. फिर देखो कल को जाके मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं होगी. सर मटेरियल अनसर्टेनिटी कब होती है? जब ये दो कंडीशंस प्रेजेंट होती है, एल और एम. सर एल और एम का क्या मतलब है? लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड. लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड इस कदर है कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होना चाहिए. सर डिस्क्लोजर के नाम पे हम चार चीजें डाल के चलते थे, बताओ क्या चार चीजें थी?
सबसे पहले तो एक खराब चीज क्या, इवेंट्स और कंडीशन। इवेंट्स और कंडीशन बड़ी बुरी चीज है। अच्छी चीज क्या है, मैनेजमेंट के पास इस चीज का प्लान है। बट डर किसका है सर, डर है मटेरियल अनसर्टेनिटी का, बिकॉज एंटिटी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब सर बात आती है रिपोर्टिंग की। अगर गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं, एडवर्स ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और डिस्क्लोजर भी दे रखा है, तो फिर ओपिनियन को मॉडिफाई मत करना। आप ऐसे केस में ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेंगे एंड मुर्ग पैरा डालेंगे। सर मुर्ग का क्या मतलब था, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑन दैट डिस्क्लोजर। ठीक है सर, अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है बट डिस्क्लोजर नहीं है तो फिर तो ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कमी है। तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, एंड जो आपका बेसिस है उसमें बस इतनी सी बात लिखना, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं। लास्ट में हमने डिस्कस करा इवेंट्स एंड कंडीशंस, तो आई होप ये तो सारे आपको क्लियर हैं। जल्दी से बताइए क्या आपको यहां तक सारा SA 570 डन क्लियर है या नहीं, प्लीज लेट मी नो। इज द फ्लो ऑफ द होल एसे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस इतना सही है ये एसे, बस इतना सही है एसे, और इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें कुछ भी नहीं है। सारी की सारी बातें एंड टू एंड डिस्कस हो गई। 80 को करने का फटाफट बताओ, इजी ऐसे था ना, कुछ था थोड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन। घबरा रहे थे बेमतलब में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। जल्दी से सर एक बार एक बढ़िया वाली रिवीजन करा दो तो मजा आ जाए। ऑडिट वाले बाबू जरा रिवाइज करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको रिवाइज करा दो ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है सर, इसका नाम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों है, बिकॉज दिस इज द लास्ट ऐसे ऑफ ऐसे 500 सीरीज। मतलब अभी हमें और 500 के ऐसे पढ़ने हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं 500 सीरीज में लाइन बाय लाइन चलूं तो ये बेचारा लास्ट में आता है। मैंने कहा लास्ट में छोड़ो, हमारे कई सारे एसेज में आता रहता है, तो मैंने कहा इसकी बात पहले कर लेते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज रिटर्न स्टेटमेंट। ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट ऑडिटर को देता है सर, दो चीजों के लिए, कंफर्म और सपोर्ट करने के लिए। किस चीज के लिए? कंफर्म और सपोर्ट करने के लिए, कंफर्म द मैटर्स एंड सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर इज हैविंग। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? मैंने कहा नहीं। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब उसके अंदर की अजर्शन है? मैंने कहा वो भी नहीं। क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है? मैंने कहा नहीं। जो वो अलग से देता है, अलग से अगर कोई रिटर्न स्टेटमेंट देता है तो उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो सर हम ले क्यों रहे हैं? इसी चीज की वजह से, हमको चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की मैनेजमेंट कंफर्म करे कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी नीड टू ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वी नीड टू ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैटर, प्लस वी नीडेड टू सपोर्ट द अदर ऑडिट एविडेंस, एंड जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिलेगी उसको रिस्पॉन्ड करके चलेंगे कि वो सही है कि गलत। अगर हमको लगता है उसमें गड़बड़ है तो अकॉर्डिंगली इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे। अगर हमको लगता है एकदम सही है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नहीं देती तो भी हमको रिस्पॉन्ड करना है। तो मतलब वी हैव टू रिस्पॉन्ड इन अ लॉजिकल मैनर। अच्छा एक बात बताओ, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन काफी है? मैंने कहा नहीं, ये सांबर की तरह है। सर सांबर का मतलब क्या है? इट इज नेसेसरी ऑडिट एविडेंस बट इट इज नॉट अ सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है सर, फिर आते हैं सर रिकन्फर्मेशन। हमको मैनेजमेंट से रिकन्फर्मेशन कब लेनी है? मैंने कहा तो तुम 4 बजे भी सुबह उठोगे तो भी तुमको आता होगा। किस्मत बदलती वेखी मैं, जग बदलता वेख्या, सब कुछ बदल गया मेरा। क्या क्या बदल गया सर? साल बदल गया। जो हमने एग्रीमेंट किया था, जो हमने एंगेजमेंट लेटर साइन किया था, वो दैट वाज डन इन अ प्रीवियस ईयर, तो उसको रिकन्फर्म कराने की उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। दूसरा, लोग बदल गए। जिन लोगों ने उस एंगेजमेंट पे साइन किया था वो लोग अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे हैव लेफ्ट द कंपनी। तीसरा केस क्या सर? तीसरा है हालात बदल गए, चेंजेस इन द सर्कमस्टेंस। मैंने कहा कुछ भी बदलाव, इस सब के बदलते के बीच हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। Then we discussed about the date and period. Sir, what should be the date of written representation? मैंने कहा पहले audit report की बात करते हैं। Written representation is a necessary audit evidence. तो जब तक evidence नहीं होगा, conclusion कैसे निकालोगे? Conclusion नहीं होगा तो opinion कैसे दोगे? So audit report तो written representation के पहले नहीं आ सकती। तो written representation कब आएगी? As near as practicable to the date of audit report, past जितना बेहतर उतना। And it will cover all the periods which are covered by the audit report. अगर मुझे doubt है, sir doubt किस पे? रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने कहा डाउट को रिजोल्व करो। ये डाउट क्यों आया होगा? क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में जो लिखा है वो किसी ऑडिट एविडेंस से मैच नहीं कर रहा। सो यू नीड टू रिजोल्व दैट पैटर्न। बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिजोल्व, आप मैनेजमेंट की डाइस पे सवाल उठाओगे। सर डाइस का क्या मतलब था? डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यू। फिर से बोलो, अच्छे लगते हो। डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यू, वेरी वेरी गुड। तो डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस और एथिकल वैल्यू पे सवाल उठाना, साथ ही साथ ये सोचना कि बाकी रिप्रेजेंटेशन भी सही है, बाकी एविडेंस भी सही है।
अब अगर सब में गड़बड़ लग रही है, मॉडिफाई योर ओपिनियन, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड मॉडिफाई योर ओपिनियन एज पर एसए 705। ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब रिटन लेटर की तरह ही होगी, और क्या। कुछ ऐसी बातें जो पब्लिक डिस्क्लोजर में ऑलरेडी है, तो उनको वापस रिटन रिप्रेजेंटेशंस का पार्ट बना के कोई फायदा नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट इज, मैनेजमेंट नहीं दे रही, मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, तो डिस्कस करो, फिर उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाओ, बाकी रिप्रेजेंटेशन पे सवाल उठाओ, बाकी एविडेंस पे सवाल उठाओ, और आखिरी में अपना एप्रोप्रिएट एक्शन लेके मॉडिफाई योर ओपिनियन एज पर एसए 705। सो दिस इज ऑल अबाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू एंजॉयड। तो मित्रों, आई होप यू एंजॉयड दिस एसेज का रिवीजन। काफी कम टाइम में आपने काफी अच्छी तैयारी कर ली। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इन एसेज को अब एक बार सेल्फ रिवाइज और कर लीजिएगा। मैक्सिमम डेढ़ से दो से ढाई घंटे लगेंगे, बट हर चीज आपके टिप्स पे आ जाएगी। एंड मेक श्योर यू ऑल्सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस टू स्कोर 60+, 70+ इन द कमिंग एग्जाम्स। तो यूं ही खुशी से पढ़ते रहिए, मन लगाकर लगे रहिए, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक, एंड या स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट।